हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्ना टेरेस गार्डन में। और मैं आपकी होस्ट अंजू आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की मेरी वीडियो है इस प्लांट पे। आज शायद सूर्य देव भी बड़े मेहरबान थे हम सब पर, और काफ़ी दिनों के बाद आज हमने सूरज भगवान जी के दर्शन किए हैं, तो मैंने सोचा छत पर जाके चलो कुछ काम किया जाए। बड़े टाइम से ये आपके सामने ही एक मैंने प्लांट रखा हुआ है जिसका नाम है बोट लिली। तो ये काफ़ी टाइम से मेरा एक पेंडिंग काम था, तो वो मैंने सोचा आज आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की करती जाए। इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, इसके पप्स को डिवाइड कैसे करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से शेयर करती चलूँ। तो चलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैं इसको पौधे को इसको निकालती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके रूट बॉल को निकाला है और मैं इसके पप्स को इसको इसकी मिट्टी के साथ इसको रिमूव कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो पौधा है जिसका नाम बोट लिली है, शायद इसका नाम बोट लिली इसलिए है कि आपको ये शायद बीच से दिखाई दे रहा होगा, ये शायद बोट की शेप में थे। ये देखिए, शायद इसलिए ये प्लांट का नाम, इस प्लांट का नाम बोट लिली था। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। मेरा तो ये गर्मियों की धूप में ये बिल्कुल आउटडोर पड़ा हुआ था। और फ्रेंड्स, ये एक जो प्लांट है ये बड़ा लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैंने बड़ा निग्लेक्टेड प्लांट ये रखा हुआ था, कभी पानी दिया कभी नहीं दिया, लेकिन इस ये प्लांट जो मैंने बोला आपको बड़ा लो मेंटेनेंस प्लांट है, इस प्लांट को बड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। और इसकी लीव्स का कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल लीव्स है, ऊपर से आपको ग्रीन दिख रहा होगा और नीचे से देखो पर्पलिश है, तो बड़ा ब्यूटीफुल प्लांट है। और साथ में इस प्लांट की मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी प्रोपोगेशन भी बड़ी ईजी है। तो इसकी प्रोपोगेशन आप थ्रू कटिंग से कर सकते हैं और साथ साथ इसको आप इसके इसकी जो पप्स हैं, ये जो साथ में इसके प्लांट्स के साथ प्लांट निकलता है, वो भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो लीजिए मैं इसकी सॉइल को इसके साथ से रिमूव करती हूँ। ये देखिए, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ये देखिए ये इस प्लांट को मैंने अलग कर लिया है। ये देखिए, एक दो तीन चार। अब फ्रेंड्स, एक तो इस ये जो मैंने बताया था कि ये बड़ा मेरा पेंडिंग काम था, तो इसी बहाने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगी और ये रिपोर्ट भी हो जाएगा। और साथ साथ में इसकी केयर के और इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी सॉइल की रिक्वायरमेंट, इसकी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में बात भी हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक आउटडोर इनडोर प्लांट है, आप इसको इनडोर भी ग्रो कर सकते हैं और आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। और बात करें इसकी सॉइल की, तो वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जैसे कि एक हिस्सा इसको मिट्टी, एक हिस्सा आप इसको सैंड मिक्स कीजिए, और कोई भी आप इसको फर्टिलाइज़र, आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप कोई भी इसमें डाल के बड़ा वेल ग्रो करेगा ये। और वैसे भी मैं इसको साल में दो टाइम ही इसको फर्टिलाइज़ करती हूँ, एक बरसात के टाइम पे और एक जब मेरे जनवरी, जब मैं इस टाइम पे कभी रिपोर्ट करती हूँ जो एज़ वेल मतलब कि सारे प्लांट्स को जो एक साथ ही मैं खाद दे देती हूँ, तो उसी टाइम पे ही मैं इसको फर्टिलाइज़ कर देती हूँ। अदरवाइज़ ये मेरा बेचारा प्लांट जो है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जो बेचारे साइड पर पड़े, लेकिन वो कुछ बड़े लो मेंटेनेंस हैं, उनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी ग्रो करते जाते हैं, और ये उन्हीं प्लांट में से एक है। तो फ्रेंड्स, इसको साइड पे करते हुए मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरी मिट्टी आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से बड़ी गीली थी, तो आज धूप निकली तो मैंने आज इसको धूप लगाई और आज इसमें ये मैंने जैसे बताया कि एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा सैंड और ये मैंने कॉ मैन्यर डाल के ये मैंने मिक्स कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप हम इसको पप्स को अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर देंगे। मैंने आपको बड़ी बार बताया कि कोई भी प्लांट हो उसके आप एक प्लांट लाइए नर्सरी से और उसके आप कितने प्लांट्स आप उसके बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसको गमले में प्लेस कर दिया और ये अब मैं इसमें सॉइल डालने जा रही हूँ। सॉइल थोड़ी मेरी बड़ी वो मैंने बताया था बारिश बारिश की वजह से थोड़ी सी बड़ी गीली है। ये देखिए, बड़े प्यार से जब भी आप प्लांट की प्लांटेशन करें, बड़े जल्दबाजी में कुछ ना करें,
अब बड़े प्यार से उसको अपनी उसकी जो प्लांटर है उसके सेंटर में जाके प्लेस कीजिए और बड़े प्यार से उसको रखिए, बड़ी नीट एंड क्लीन उसकी सॉइल को, उसको दबाते हुए उसकी रूट, उसकी रूट को कुछ वो नहीं होना चाहिए, कुछ कट नहीं होनी चाहिए, रूट डैमेज नहीं होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। फिर उसका उसके बाद आप इसकी सॉइल इसको डाल दीजिए। वैसे इस प्लांट में मैंने फ्लावर भी बड़े होते हैं जो बड़े सुंदर लगते हैं, और इस मिट्टी को दबा दीजिए ताकि इसकी एयर पॉकेट्स खत्म हो जाए। और मेरे तो इतने, एक मेरा गमला था जो मैंने अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था, एक मेरा पड़ा था जो मैंने एक दो दिन पहले भी कुछ मैंने रिपोर्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा एक तो इनकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी और ऊपर से इनको एक सॉइल भी इनकी फ्रेश हो जाएगी, और जब भी करते जाएं तो कोशिश करें इनके साथ साथ डेड लीव्स वगैरह जो भी है, प्लांट आपका नीट एंड क्लीन हो जाना चाहिए। अब ये मैंने दूसरा पॉट लिया है जिसके बीच में, एक तो क्या होता है ना कि प्लांट्स, जो गार्डनर लोग होते हैं उनके पास जब प्लांट्स होते हैं तो पॉट नहीं होते, जब पॉट होते हैं तो प्लांट्स नहीं होते, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी मेरे पास एक ही पॉट है, तो अभी मैं आपको फिर एक और मैं आपको ये लगा के इसके साथ, ये देखिए ये मैंने बीच में थोड़ी सी मिट्टी थी वही अपनी सॉइल लेते हुए ये मैं इसको सेंटर में मैंने इसको प्लेस कर दिया, और ये देखिए यही मिट्टी मैंने, जो अपनी मिट्टी मैंने तैयार की हुई थी। वैसे मिट्टी मैं सारी सेम ही पौधों के लिए तैयार करती हूँ, कुछ स्पेशल नहीं होता, वही अपनी मिट्टी, रेत और कुछ अपना वर्मी कंपोस्ट हो गया या कोई पत्तों की खाद होगी, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, चाहे आप, वैसे तो मैं हमेशा हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स में कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, और उसकी हमारी ऑर्गेनिक हम जो भी यूज़ करते हैं कम ज़्यादा हो जाए तो शायद उसको प्लांट इतने डैमेज नहीं होते, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या है ना, तो अगर आपको नॉलेज है तो उसकी तो आपको पता है कि उसकी कितनी क्वांटिटी आपको डालनी है, अदरवाइज उसके प्लांट्स के ख़राब होने का डर भी बड़ा रहता है। ये देखिए ये मिट्टी आप इसको दबा दीजिए, ये देखिए तो फ्रेंड्स आपको इसके साथ साथ ये अभी भी मेरे दो पॉट्स पड़े हैं जो मैं बाद में इसको रिपोर्ट कर लूँगी किसी और दूसरे पॉट में, और मैं आपको अपनी एक अपडेट भी देती चलूँ। वैसे मैं इसमें वाटरिंग करती लेकिन इसकी मिट्टी अभी गीली है तो इस पर मैं वाटरिंग अभी नहीं करूँगी, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसके मैंने कितने प्लांट्स जो थे एक पॉट में से मैंने कितने प्लांट्स बनाए, वो देखिए फ्रेंड्स वहाँ पर वो 1, 2, 3, 4 और कितने थे मेरे पास, पॉट ख़त्म हो गए जब मैंने इनको अलग करने जा रही थी, फिर एक एक में मैंने दो दो शिफ्ट किए, और प्लांट्स सॉरी फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैंने अपनी एक अपडेट देती चलूँ, ये यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स जो थे वो काफ़ी टाइम से मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए थे, वो उनको भी मैंने आज ही अपने इन पॉट्स में शिफ्ट किया था। ये इनकी ये देखिए, ये यहाँ पे मेरे पिटूनिया है, यहाँ पे मेरे साल्विया है, ये मेरा वर्मीना, ये आगे गजेनिया, ये साल्विया, और ये मेरा लाइसम, और ये मेरे डेंथस, और ये मेरा सिनरेरिया प्लांट्स है। अभी बर्ड वगैरह नहीं है इसमें क्योंकि अभी थोड़े दिन ही पहले मैंने इसको नर्सरी से लाया था। तो फ्रेंड्स आप बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।